माय चैनल ब्यूटी टिप्स। माय नेम इज़ गुलशन खान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नो फाउंडेशन नो कंसीलर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। गाइस, हमें मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। सनस्क्रीन हमें समर्स, मॉनसून, विंटर सारे सीज़न में लगाना चाहिए। इसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन लगाने के बाद हम 5 मिनट का वेट करेंगे। यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो प्राइमर अप्लाई करने से पोर्स की प्रॉब्लम दूर होती है। प्राइमर अप्लाई करने से पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं। प्राइमर के बाद हम यूज़ करेंगे बीबी क्रीम। तो यहाँ पर मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बीबी क्रीम को ब्लेंड करने से फेस पर अच्छा सा इवन लुक आता है। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो बीबी क्रीम की डबल लेयर आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बीबी क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद मैं यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करूँगी। स्पेशली हमें टी जोन एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि टी जोन पर ही सबसे ज़्यादा स्वेट की प्रॉब्लम होती है। कॉम्पैक्ट अप्लाई हो जाने के बाद मैं यहाँ कलर क्वीन आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। जो मेरी आईब्रो हैं उसी पर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ अपनी आईज़ को अच्छा और बड़ा दिखाने के लिए मस्कारा का यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा को मैं अपर और लोअर लैश पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप अपनी पसंद का कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ मेबलिन लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। लिपस्टिक को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा नेचुरल लुक आता है। अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ लाइट पिंक लिपस्टिक का यूज़ करूँगी। ये लिपस्टिक मैंने लोकल स्टोर से बाय की थी। आप अपनी पसंद की कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेकअप लुक? आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस समर सीजन में आप लोग इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।